डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और सब्जेक्ट को रिव्यू करने जा रहे हैं जो है हिंदी भाषा और साहित्य, यानी हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। एक्सट्रीमली सॉरी उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनका ऑप्शनल पेपर हिंदी नहीं है, तो डेफिनेटली उन्हें थोड़ा डेस्परेशन होगा क्योंकि ये पूरा सेशन उनके किसी काम का नहीं है। हालांकि ये भी एक बड़ी सच्चाई है कि हम लोग जब भी किसी भी ऑप्शनल को रिव्यू करते हैं तो उसकी बहुत सारी बातें दूसरे ऑप्शनल पर भी लागू होती हैं, जैसे सिलेबस को किस तरह से हैंडल किया जाए, क्वेश्चन का पैटर्न किस क्या है, सब्जेक्ट या जो भी आप चुनते हैं उसे किस तरह से आप लेकर आगे बढ़ें ताकि एग्ज़ाम में आप सफल हो सकें, ये सारी बातें हैं। एनीवे, कल हम लोगों ने हिस्ट्री को रिव्यू किया था और आज हिंदी भाषा और साहित्य को रिव्यू करने जा रहे हैं। हम इस बात को लेकर विशेषकर हम कहेंगे वैसे छात्रों को जिन्होंने हिंदी को ऑप्ट किया है, एक बड़ा निर्णय लिया है। हिंदी में नंबर मैथमेटिक्स की तरह आते हैं। न सिर्फ हिंदी बल्कि लिटरेचर का कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो बंगाली हो, मैथिली हो, पाली हो, फारसी हो, ये सारे जो ऑप्शनल हैं, इंग्लिश हो, हालांकि इंग्लिश थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन लिटरेचर कोई भी हो उसमें अच्छे नंबर्स आते हैं। उसके कई कारण हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का जहां तक सवाल है, हिंदी में मैथमेटिक्स की तरह नंबर्स आते हैं, उसका कारण यह है कि इसका एक पूरा पार्ट यानी 300 मार्क्स का जो पूरा सब्जेक्ट आपको एग्जाम में दिखेगा, उसमें एक पहला पार्ट 150 नंबर का जो है वो ग्रामेटिकल पार्ट है और उसमें आपको मैथमेटिक्स की तरह नंबर उठते हैं। हम तो कहेंगे कि 150 नंबर का ये जो पहला पार्ट है इसमें आप 125 से 30 नंबर तक ला सकते हैं, जो बहुत अच्छे हैं अपने सब्जेक्ट में, इस विषय में जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है, वो इस पहले पार्ट के 150 नंबर में 125 से 30 नंबर तक ला सकते हैं। कारण ये है कि ये पूरा आधा पार्ट जो है, पहला पार्ट, ये व्याकरण है, व्याकरण की विशेषताएं आपको बताना है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आपको बताना है। जो क्वेश्चन के पैटर्न्स आते हैं वो भाषा और साहित्य के विकास से संबंधित आते हैं, जिसमें जो क्वेश्चन का आंसर का पैटर्न है वो बहुत कुछ ग्रामेटिकल है, यानी इसमें भाषागत जो संजाल जो आप बुनते हैं जब आप कहानियाँ कहने लगते हैं, तो किस तरह से आप अपनी भाषाओं को डालकर कभी कभी बोझिल बना देते हैं, यहाँ पर वो बातें नहीं हैं। इसमें केवल आपको फैक्ट्स डालने हैं, किस तरह से जो अक्षर हैं, किस तरह से शब्द हैं, उनका रूपांतरण एक से दूसरे में हुआ, ग्रामेटिकली किस तरह से इम्प्रूवमेंट इस भाषा का हुआ, इसको आपको बताना होता है। तो ये सेक्शन हिंदी का पूरा आधा पार्ट मैथमेटिक्स की तरह नंबर लाता है। यहाँ तक कि दूसरा पार्ट भी जो हिंदी साहित्य का है, जिसमें व्याख्या एक्सप्लेनेशन आपको लिखना होता है, उसमें भी मैथमेटिक्स की तरह नंबर आते हैं। तो एक बड़ा सेक्शन इस भाषा और साहित्य का ऐसा है जिसमें आप अच्छे नंबर्स ला सकते हैं, और यही कारण है कि हिंदी भाषा और साहित्य बहुत सारे लोगों में, छात्रों में काफ़ी लोकप्रिय है। आइए सबसे पहले इसके सिलेबस को देखते हैं, तब अंदाज लगेगा कि इसमें दरअसल हमें क्या पढ़ना होता है। मोटे तौर पर अगर हम कहें तो हिंदी का विकास आपको, उद्भव और विकास आपको इसमें पढ़ना है, और फिर जो अलग अलग साहित्यकार हैं इस भाषा से संबंधित, कथाकार हैं, उनका चरित्र चित्रण और उनकी रचनाओं के बारे में आपको पढ़ना है, साथ ही हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आपको पढ़ना है। मोटे तौर पर हिंदी लिटरेचर इन्हीं पेरिफेरा के बीच आपको दिखाई देगा। आइए सबसे पहले सिलेबस देखते हैं, तो अंदाज लगेगा कि इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्यों ये एक मार्क्स फेचिंग पेपर है। देखिए, अगर सिलेबस की हम बात करें तो इसका जो 300 मार्क्स के ये पेपर होंगे, इसमें जो पहला पार्ट है हिंदी भाषा का इतिहास, पहले पार्ट दो सेक्शन में ये दिखाई देगा आपको। पहले पार्ट का जो पहला सेक्शन है उसका पहला भाग हिंदी भाषा का विकास है, यानी लैंग्वेज किस तरह से हिंदी विकसित हुई उसके बारे में आपको पढ़ना है। अपभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक हिंदी पहला है इसमें जो टॉपिक है, इसमें अपभ्रंश भाषा का, अपभ्रंश से हिंदी विकसित हुई तो किस तरह से अलग अलग स्टेजेस में ये विकसित हुई उसे आपको पढ़ना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, जो सिलेबस है उसमें अपभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक हिंदी की व्याकरणिक और शाब्दिक विशेषताएं आपको लिखना है।
जब आप व्याकरणिक यानी ग्रामर की बात आ जाती है और शब्द यानी जो उसके अक्षरों से बने हुए जो शब्द हैं उनके बारे में लिखना है, तो इसमें भाषागत जटिलताएं बहुत नहीं हैं। केवल आपको व्याकरणिक जो विकास है और शब्दों में किस तरह से बदलाव हुआ है उसके बारे में आपको बताना है। इंटरेस्टिंगली अपभ्रंश, अपवर्ट और प्रारंभिक हिंदी, ये जो पहला टॉपिक है इसमें से एक जिस साल भी आया है उसके अगले साल आपको इस टॉपिक को छोड़ के बाकी दो को करना होता है, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। मतलब ये कि अपभ्रंश अगर इस साल आ गया है तो नेक्स्ट ईयर में अवहट या प्रारंभिक हिंदी से एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है कि आपके पास एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि अवहट या प्रारंभिक हिंदी में से दोनों अगर हम कर लें तो एक क्वेश्चन लगभग डेफिनेट हो जाता है। देखिए दूसरा इसका जो पॉइंट है, मध्यकाल में अवधी और ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास पढ़ना है। अब चूंकि हिंदी का विकास आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी के विकास के दौरान अभ्रंश, अवट, प्रारंभिक हिंदी, अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, इन सबको आपको पढ़ना है, चूंकि इनसे मिलकर ही हिंदी भाषा का विकास हुआ। अब देखिए ये अवधी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली में से जो दो और तीन नंबर है उसमें से एक आना ही आना है। अगर अवधि आ गया तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली में से कोई एक आएगा। तो अगर दोनों आप कर लेते हैं ब्रज भाषा और खड़ी बोली तो यहां से भी एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो इस तरह से ये सेक्शन काफी एक्सपेक्टेड और एंटिसिपेटेड पार्ट है जो बिल्कुल ग्रामेटिकल पार्ट है, यहां से नंबर अच्छे आते हैं। चौथा नंबर आप देखिए, देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा का मानकीकरण। अब देखिए भाषा किस अक्षर में लिखा जा रहा है वो उसकी लिपि होती है, तो लिपि का मानकीकरण, तो देवनागरी लिपि हिंदी की है तो इसका स्टैंडर्डाइजेशन जो कैसे हुआ, कैसे इसके दोषों को दूर करके इसका मानक रूप सामने आया, इसके बारे में आपको पढ़ना है और यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाते हैं। पांचवा और छठा क्वेश्चन से एक क्वेश्चन डेफिनेट है, स्वाधीनता संघर्ष के समय हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास और आज़ादी मिलने के बाद राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, कितना देखिए एक्सपेक्टेड है। पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित और पल्लवित हुई। और बाद में छठा जो इसका क्वेश्चन है, जब हमें स्वतंत्रता मिल गया तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो राजभाषा के रूप में इसका फिर विकास पढ़ना है। तो यहाँ से इन दोनों को आप कर लेते हैं तो फिर एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। उसके बाद सातवां और आठवां फिर मानक हिंदी के, हिंदी की उपभाषाएं, चूँकि हिंदी के साथ साथ जो उसके आसपास अगल बगल की जो दूसरी भाषाएं हैं जो इससे लगी हुई हैं, ऐसी उपभाषाएं आपको पढ़नी है और उनके संबंध को पढ़ना है। और आठवें में मानक हिंदी के व्याकरणिक लक्षण, जो स्टैंडर्ड हिंदी है उसका जो ग्रामेटिकल जो फीचर्स हैं उसको आपको पढ़ना है। तो ये सब पहला पार्ट जो है ये बेहद मार्क्स फेचिंग है और बड़े अच्छे नंबर्स आपको दिलाता है मैथमेटिक्स की तरह। अब आइए इसका दूसरा सेक्शन देखिए, देखते हैं हिंदी साहित्य का विकास। पहला पार्ट में भाषा का विकास। अब जब भाषा विकसित हो गई तो उसमें साहित्य लिखा जाएगा, तो हिंदी का साहित्य जो लिखा गया तो उसका इतिहास आपको पढ़ना है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, देखिए बार्तेंदु काल, द्विवेदी काल, पहले तो इसका इसकी जो प्राचीनता से नवीनता है उसके रूपांतरण को अलग अलग भागों में बांटकर काल विभाजन इसको हम कहते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये पढ़ना है। और फिर बाद में जो रचनाकार हैं, बड़े रचनाकार, उनकी रचनाओं के कारण, उनका औरा जो है उसके कारण उनके रचनाओं को एक काल के रूप में लिया जाता है। तो भारतेंदु और द्विवेदी बड़े महत्वपूर्ण इतिहास साहित्यकार हैं, तो इनकी रचनाओं के या इनके जीवन काल को एक पूरा साहित्यिक काल के रूप में पढ़ना है। अब प्रवृत्तियाँ इसकी पढ़नी है। दो नंबर में आइए देखिए, छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सब सेक्शंस हैं हिंदी साहित्य जब आप पढ़ेंगे तो किस तरह से छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद क्या है, ये सब बहुत टफ नहीं है, इसे हम लोग करते हैं। तीन नंबर में आधुनिक हिंदी में उपन्यास, फिर नाटक, उसके बाद आलोचना यानी क्रिटिसिज्म, और फिर साहित्य की दूसरी सारी जो सेक्शंस हैं उसे हमें पढ़ना होता है। मतलब ये कि देखिए पहला पार्ट जो हिंदी भाषा और साहित्य का है, इसमें एक पार्ट में, पहले पार्ट के पहले पार्ट में भाषा का विकास पढ़ना है और दूसरे पार्ट में साहित्य का विकास पढ़ना है।
बहुत ही मार्क्स फेचिंग ये टॉपिक है। अभी हम लोग इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे, आपको अंदाज लग जाएगा कि किस तरह से इसमें अच्छे नंबर्स आते हैं और कितना एक्सपेक्टेड ये सेक्शन है। आइए इसका दूसरा पार्ट फिर देखते हैं, तब अंदाज लगेगा। सिलेबस का दूसरा खंड जो 150 मार्क्स का, यानी 6 क्वेश्चंस लिखने हैं। अब जो 3 क्वेश्चन रेस्ट हैं, 3 क्वेश्चंस, उन्हें आप कैसे करेंगे ये इस सिलेबस को पहले आप देख लेते हैं। देखिए दूसरे सेक्शंस में खंड 2 जो है उसमें रचनाकार जो हैं, जो बहुत सारे कवि हैं, उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, उनकी रचनाओं को हमें पढ़ना है। जैसे कबीर, सूर, तुलसी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सर बाजी, टके सर खाजा, हम लोग काफ़ी इसे अपने लोअर क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं पहले से भी। प्रेमचंद बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य के, तो सिरमौर हैं ये। जयशंकर प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट, रामचंद्र शुक्ल, निराला, अज्ञेय और मुक्तिबोध, इन्हें ही आपको पढ़ना है। तो दूसरे सेक्शन में भी ऐसे रचनाकार हैं, उनके चरित्र को कि वो किस तरह की रचनाएं कर रहे थे और उनकी रचनाओं को हमें पढ़ना है। मतलब ये कि ये सेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हिंदी भाषा और साहित्य में पहले खंड में भाषा और साहित्य का विकास पढ़ना है और दूसरे पार्ट में जो 150 मार्क्स का होगा उसमें आपको रचनाकारों के की रचनाओं को पढ़ना है। अज्ञेय हैं, निराला हैं, प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, कबीर, तुलसी हैं, सूर हैं, इन सारे कवियों को और इनकी रचनाओं को या फिर इनके उपन्यास और कहानियों को हमें पढ़ना है। इंटरेस्टिंग सेक्शन है, आसान लगता हुआ दिखता है, लेकिन और भी इसमें बातें हैं। आइए अब इसके प्रश्नों को देखते हैं, तो आपको अंदाज लग गया कि इतनी सारी बातें जो हुई, आसान दिख रहा है, क्या प्रश्नों के रूप में भी ये आसान है? ये तो अभी हम लोगों ने सिलेबस देखा कि सिलेबस जो है उसमें किस तरह से विकासात्मक स्वरूप को हिंदी भाषा के हमें पढ़ना है। क्या इसका प्रश्न भी इसी तरह से आता है कि एक्सपेक्टेड हो और हम बना लें? तो आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का प्रश्न, सबसे पहले तो 6 प्रश्न होंगे और हर सेक्शन से 2 खंड है, हर सेक्शन से 3-3 प्रश्न करने हैं। 3 घंटे आपको मिलेंगे 300 मार्क्स का। देखिए पहला सेक्शन, इसमें देखिए मध्यकाल में अवधि भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास पर प्रकाश डालिए। ये मतलब आलोचना वगैरह नहीं करना है, प्रकाश डालना है, यानी इसके विकास के इतिहास को लिखना है। अवधि भाषा का विकास किस तरह से हुआ मध्यकाल में, इसी को आपको लिखना है। बिल्कुल एक बना बनाया नोट्स है, उसको आपको वॉमिट करना है। अच्छा नोट्स। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश। देखिए हमने कहा था कि अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी और अवहट्ठ, 3 में से 1 आता ही आता है। यहां पर पूछा है कि अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी की व्याकरणिक और शाब्दिक विशेषताओं को लिखना है। यह पूरा का पूरा मैथमेटिक्स की तरह अक्षरों का खेल है। व्याकरणिक स्वरूप में जो व्याकरणिक जो पेरिफेरा है उसमें आपको बांधना है, प्लस शब्दगत जो परिवर्तन इसमें हुए उसको आपको बताना है। अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी, जब भी हम लोग हिंदी में यहाँ इस सेक्शन को करते हैं, अपभ्रंश, अवहट्ठ और प्रारंभिक हिंदी तीनों को करते हैं, आपको हम बता दें कि यह सेक्शन बहुत आसान है, एक्सपेक्टेड है, आसानी से समझ में आता है। तो अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी से ये क्वेश्चन था। उसको देखिए तीसरा प्रश्न, हिंदी की प्रमुख उपभाषाओं का परिचय दीजिए और उनका संबंध बताइए, यानी हिंदी के साथ जो उसकी छोटी छोटी जो उपभाषाएं हैं उसके आसपास की, उनके संबंधों को बताना है और उनका परिचय देना है। चौथा प्रश्न जो बहुत एक्सपेक्टेड है, स्वतंत्रता के बाद संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास पर निबंध लिखिए। ऐसे लिखना है, आप जानते हैं कि ऐसे में आप बिल्कुल कहानी की तरह शुरू से उठाते हैं और घटनाओं के पूरे क्रम को आप लिख डालते हैं। यहाँ पर किस तरह से राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास हुआ इसे आपको लिखना है। टॉपिक मिल जाते हैं, बुक में दिए हुए हैं, तो इसे समझना कोई बहुत दुरूह कार्य नहीं है। पांचवा प्रश्न देखिए, हिंदी की नई कविता की प्रवृत्तियों को लिखिए। नई कविता एक टॉपिक है, आसानी से समझ में आता है, आप जब पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगा। उसकी प्रवृत्तियों को लिखना है, कौन कौन से इसमें अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, फीचर्स थे, वो दिखाई देते हैं। नई कविता यानी कविता का नया रूप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़े हिंदी के
आधार स्तंभ हैं हम कहेंगे रामचंद्र शुक्ल। जब आप पढ़ेंगे तो इनके बारे में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, हर हिंदी साहित्य का छात्र इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता है। रामचंद्र शुक्ल का आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इनकी आलोचना यानी क्रिटिसिज्म और क्रिटिक इस सेक्शन में आपको पढ़ना है, ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब आइए दूसरा खंड जो है जिसे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप समझ लीजिए, बहुत आसानी से समझ में आने वाला है, कैसे आपको पढ़ना है इन प्रश्नों से और आसानी से समझ में आएगा। देखिए खंड दो यानी पार्ट टू में आपको तीन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। इसमें सातवां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखिए व्याख्या खंड इसे हम कहते हैं, एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ देना होता है आपको। इसमें कविता की कुछ पंक्तियां दे दी जाती हैं कबीर सूर तुलसी या दूसरे रचनाकारों की, और इस लाइन को समझकर आपको इसकी व्याख्या करनी है, ये बताते हुए कि निम्नलिखित उपर्युक्त पंक्तियाँ जो दी गई हैं वो कबीर के द्वारा कबीर ग्रंथावली से ली गई हैं और इनका ये इनमें बातें हैं। को में देखिए दुल्हनी गावहूँ मंगलाचार, ये कबीर की बहुत एकदम शुरुआती पंक्तियां हैं, कबीर से संबंधित है। उसके खो में देखिए फिर यहाँ पर दूसरी तुलसी की रचनाएं हैं, उसके बाद यहाँ पर सरोज स्मृति है आठ नंबर में को और खो में, उस यहाँ पर ये चार व्याख्या खंड चारों आपको करना है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर कोई भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, ये सभी आपको 50-50 मार्क्स के हैं यानी 12.5-12.5 नंबर के चारों खंड हैं, चारों के जवाब आपको देने हैं, ये चारों व्याख्या खंड कहलाते हैं और ये मैथमेटिक्स की तरह नंबर देते हैं। नवन क्वेश्चन को देखिए देखते हैं, गोदान बहुत ही एक्सपेक्टेड, यहाँ तक कि साधारण छात्र भी 10th में 8th में या 11th 12th में इस तरह के प्रश्नों इस तरह के उपन्यास से गुजर चुका होता है, क्योंकि प्रेमचंद एक लोकप्रिय हिंदी के कथाकार हैं तो इनकी रचनाओं को हर क्लास में लगभग पढ़ाया जाता है। गोदान बहुत इम्पॉर्टेंट है, भारतीय किसान जीवन की समस्याओं पर आधारित है, बहुत आसानी से बहुत एक्सपेक्टेड ये क्वेश्चन है किया जाता है। 10 में अंधेर नगरी है, देखिए यहाँ पर फिर अंधेर नगरी आ गया, मोस्ट जो कहें कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी, और बहुत आसानी से इसको डील किया जाता है। उसके बाद उसी तरह से 11वां 12वां क्वेश्चन शेखर जी ने आगे किए हैं, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत टफ नहीं है। इंटरेस्टिंगली इस बार 60 से 62वीं का ये क्वेश्चन था, जिन लोगों ने 60 से 62वीं दिया होगा वो बहुत ही आनंदित हुए होंगे इस प्रश्न को देखकर। ये प्रश्न का सेट बहुत ही एक्सपेक्टेड था और हम तो कहेंगे कि आसान भी था। लड़कों ने छात्रों ने इस सेक्शन को हिंदी साहित्य में इस बार इस एग्ज़ाम को 60 से 62वीं को बहुत अच्छे से लिखा होगा और उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि क्वेश्चंस इस सेक्शन में बहुत आसान आया था हिंदी लिटरेचर में। तो लेकिन आप सावधान हो जाएं, चूँकि ये पहली बार चेंज्ड सिलेबस पर यह पैटर्न क्वेश्चन का दिखाई दे रहा है। 60 से 62वीं में ही सिलेबस चेंज हुआ था, माफ करें सिलेबस नहीं बल्कि पैटर्न चेंज हुआ था, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ था, क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो चेंज हो गए। पहले 200 का आता था, अब 300 के 3 घंटे ही आपको मिल रहे हैं और 300 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी मार्क्स बढ़ा दिया, टाइम उतना ही है, क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई। आपको 6 क्वेश्चंस अब देने हैं, पहले 5 क्वेश्चंस देने होते थे। तो ये हिंदी साहित्य इस बार तो आसान आया 60 से 62वीं में। याद रखें आप जो 63वीं देंगे ये भी जान लें, आप लोग तो 64वीं की तैयारी कर रहे हैं, 63वीं और 64वीं जो हिंदी साहित्य से दे रहे हैं आप सावधान हो जाएं। क्यों? क्योंकि आसान क्वेश्चन चेंज पैटर्न पे आ चुका है। अब उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा टफ रहेगा, सभी ऑप्शनल, न केवल हिंदी बल्कि सारे ऑप्शनल्स इस बार अब जो 63वीं और 64वीं में आएंगे थोड़े टफ होंगे, क्योंकि जो चेंज पैटर्न था उस पर 60 से 62वीं में लड़कों को जानकर ऐसे क्वेश्चंस दिए गए कि लड़के कोई हंगामा न कर दें ये सोचकर कि सिलेबस से बाहर आ गया या पैटर्न बहुत बेतुका है। तो इसमें अधिकतर थोड़ा मॉडरेट रहा क्वेश्चन का पैटर्न, छात्रों ने बहुत अच्छा, दूसरे ऑप्शन में भी छात्रों ने लिखा होगा, हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत एक्सपेक्टेड था, यहाँ तक कि कबीर सूर तुलसी की जो रचनाएं आई वो भी बिल्कुल एकदम शुरुआती पंक्तियाँ हैं, 300-300 पंक्तियाँ हैं जो आपको व्याख्या उसके करनी होंगी पढ़नी होंगी, ऐसा नहीं कि बहुत आसान है।
एक चीज को लेकर हम आपको सावधान करेंगे। अभी तक तो हमने ये कहा कि यह मैथमेटिक्स की तरह नंबर लाता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस भी ऐसा है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक इसके पीछे रहस्य है और फैक्ट है, वो ये कि अगर इतना ही ये आसान रहता तो सारे लोग हिंदी भाषा और साहित्य लेते। तो इतना आसान भी नहीं है। यह आसान तब बन जाता है जब आप इसकी स्पेसिफिक स्टडी करते हैं, और जब आप भाषा और साहित्य लेते हैं, लिटरेचर आप लेते हैं, तो अच्छे गाइडेंस की भी आपको नीड होगी। आप जान लें, बलराम तिवारी पटना में हिंदी साहित्य के आइकन रहे हैं। जब वो पढ़ाते थे आज से 10 साल पहले, तो हिंदी साहित्य छात्र लेते थे और उनके पास चले जाते थे, और हिंदी साहित्य में वो ज़बरदस्त वो पढ़ाते थे। लेकिन अब हिंदी साहित्य में अब आपको पटना में कमी है अच्छे टीचर्स की, या दूसरे भी जगहों पे। हालांकि ऐसा नहीं है कि टीचर्स अच्छे नहीं हैं, अब तलाशने होंगे, आपको ढूंढना होगा, बहुत से लोग अभी भी पढ़ा रहे हैं। तो हिंदी भाषा और साहित्य को आपको ये जानते हुए कि यह आसान है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, मैथ की तरह नंबर आता है, इसके पीछे कठिनाइयां भी हैं, ध्रुव इसमें पक्ष जुड़ा हुआ है, जो ये बताता है कि साहित्य में अगर जरा सा भी गड़बड़ हुआ, आपकी लेखनी अगर आपने विविधता में एक हर्षई और एक दीर्घई कर दिया, तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चूंकि जब आप लिटरेचर ले रहे हैं तो भाषा पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, मतलब ये कि अक्षर, वर्तनी, भाषा, शब्द, वाक्य, इसमें किसी तरह का दोष नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप हर्षई और दीर्घई, हर्षऊ और दीर्घऊ में ही कंफ्यूज हो रहे हैं। फूल को हम हर्षऊ लिखें कि दीर्घऊ में लिखें, आप ये सब सोचने लगेंगे तो फिर समय निकल जाएगा। तो भाषा पे अगर आपकी पकड़ है, और नहीं है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, पकड़ बनाना होगा। आप भाषा को ले रहे हैं, लिटरेचर को ले रहे हैं, तो लिटरेरी जो कमियां हैं वो नहीं दिखनी चाहिए, मतलब ये कि भाषागत दोष फिर नहीं होना चाहिए। एक तो आप कंटेंट को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन अगर भाषागत दोष उसमें आपने डाल दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं, लेकिन उसमें भाषागत दोष इतना है कि पूरा कंटेंट दोषपूर्ण हो जाता है, तो फिर नंबर्स इसमें आपके कट जाएंगे। तो ये बात है कि आसान ये सब्जेक्ट लगता है, लेकिन इसमें इसके पीछे जो फैक्ट्स हैं वो ये कि इस भाषा पे आपको पकड़ होनी चाहिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए। प्लेन है, लेकिन प्लेन उनके लिए है जिनका साहित्य में रुचि नहीं है। जिनकी रुचि नहीं है वे फिर इसे अच्छा नहीं कर पाएंगे। बाय द वे, जिन्होंने हिंदी साहित्य को ऑप्ट कर लिया है, चुन लिया है, वे अब बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपने एक अच्छा सब्जेक्ट चुना है। इसमें अब आपको मेहनत करना है। क्या मेहनत करना है? हिंदी भाषा और साहित्य का अगेन लिटरेचर है, तो एक अच्छा सा नोट्स बनाना होगा, और पहला सेक्शन जो है 150 नंबर का, उसमें आपको रट जाना है, को अच्छे क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे तैयार कर, अच्छा नोट्स तैयार कर, फिर से हम कहेंगे अच्छे नोट्स मंगा कर, चूँकि व्याकरणिक लक्षण पूछे जाते हैं, इनकी विशेषताएं पूछी जाती हैं, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा आप मेहनत करें खुद से ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। आप अच्छा नोट्स ऊपर करके और उसे अपने स्तर पर थोड़ा सा इनरिच करके आप इसे याद कर जाएंगे, ताकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट आप इसे वॉमिट कर सकें। हिंदी भाषा और साहित्य दो इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभकारी है। एक जो रटने में बहुत माहिर है, जो तोते की तरह रट लेते हैं बड़े बड़े शब्दों को और बड़ी बड़ी व्याख्याओं को, तो उनके लिए ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। और दूसरी बात कि जो बहुत अच्छा, जिनकी भाषा पे पकड़ है, जो थोड़े संवेदनशील हैं, जो जज्बाती हैं, ऐसे लोग साहित्य को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसकी संवेदनाओं को, उसके अंतर्निहित जो तथ्य हैं, भावनाएं हैं, उसको समझ सकते हैं। तो ऐसे लोग साहित्य में बहुत अच्छा कर सकते हैं, संवेदनशील नेचर के लोग, और जिनकी भाषा पे पकड़ है, साथ ही
जो रट लेते हैं उनके लिए हिंदी भाषा और साहित्य बहुत ही हेल्पफुल है। हालांकि ये भी आप जान लें, रटने का मतलब ये नहीं कि आप आंख मूंद कर रट लें, कंसेप्ट भी आप लें और साथ में क्वेश्चंस को आप याद भी कर लें ताकि इमरजेंसी में आप उसमें कुछ अपने कंटेंट डाल सकें अगर क्वेश्चन सीधे नहीं आते हैं। तो हिंदी भाषा और साहित्य के लुक को लेकर हमारा विचार यह है कि ये एक मार्क्स फिचिंग पेपर है, आसानी से समझ में आता है, इसमें अच्छे बुक्स भी अवेलेबल हैं। बुक को एक बुक तो आप बिल्कुल अभी तत्काल नोट कर लें क्योंकि ये बिल्कुल यूनिवर्सली एक्लेम्ड है, मतलब ये कि इस बुक के बारे में कोई डाउट नहीं है, सभी हिंदी साहित्य के छात्र इस बुक को ज़रूर लेते हैं। और ये बुक है हिंदी भाषा और साहित्य बाई डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी भाषा और साहित्य यूनिवर्सली दिल्ली से लेकर के पटना तक सारे छात्र इसे पढ़ते हैं, यानी लिटरेचर है इसका विकास जो पक्ष है उसमें आपको डॉक्टर नगेंद्र की ले लेना है, पहला पार्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, सोचना नहीं है। सेकंड दूसरे पार्ट के लिए जिसमें हम लोगों ने देखा कि कबीर, सूर, तुलसी, निराला, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, मुक्तिबोध, इनको इनके लिए हर राइटर के लिए अलग से बुक लेना होगा। मुक्तिबोध के लिए अलग से पतली पतली बुक आती है वो आपको लेना होगा, प्रेमचंद के लिए पतली सी बुक आती है वो आपको लेना होगा। अभी तत्काल हम आपको नहीं बताएंगे, आप पहले आप समझ लें सारी बातों को, अभी आपके पास टाइम है, पढ़ने के लिए आपको टाइम मिलेगा। पहले आप डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी भाषा और साहित्य तो तत्काल ले लें। मेरे ख्याल से ये 250-300 की बुक आती है, ये यूनिवर्सली सारे छात्र लेते हैं, आपको भी लेना होगा। और जो दूसरा खंड है जिसमें जो कवि हैं, रचनाकार हैं, उनका चरित्र चित्रण, उनकी रचनाओं को पढ़ना है, इसके लिए सेपरेट बुक्स लेना होगा। कबीर पर अलग कबीर ग्रंथावली, सूर पर अलग लेना होगा, बर्मर गीत सार उनकी रचनाओं को, सूर पर कई छोटी छोटी बुक भी आपको लेना पड़ सकता है जो 30-50 रुपये के अंदर आ जाती हैं, तो इस सेक्शन को आपको सेपरेटली करना होगा, वो सब हम लोग देखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपने हिंदी भाषा और साहित्य ले लिया है तो आपको निश्चिंत हो जाना है, आप मेहनत में लग जाएं, ये नंबर दिलाने वाला पेपर है। और हम कहेंगे कि जितने भी लोगों ने लिटरेचर लिया है, चाहे वो दूसरा ही लिटरेचर हो, चाहे वो पाली हो या बंगला हो या फिर मैथिली हो, आप निश्चिंत रहें इसमें नंबर्स अच्छे आते हैं। लेकिन आपको भाषागत दोष से बचना होगा, प्लस आप व्याख्या कर रहे हैं और व्याख्या आपने उल्टा कर दिया, कबीर के जगह पर सूर का कर दिया, सूर के जगह पर तुलसी का कर दिया, या जो इस खंड दिया गया है कविता का उसकी व्याख्या आपने कुछ अलग ढंग से कर दी, दूसरी व्याख्या कर दी, तो पूरे नंबर कट जाएंगे। मैथमेटिक्स तो है लेकिन मैथमेटिक्स आप गलत बना लेंगे तो फिर तो पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा। तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है, धीरे धीरे चलना है। फिर अचानक से रिव्यू करने के बाद बाढ़ से आ जाता है आपके कमेंट्स का, और बुक्स के लिए विशेषकर जायज़ भी है, सही भी है, चूँकि हर कोई ये चाहता है कि तत्काल उसके पास कुछ अच्छी बुक्स आ जाए ताकि वो पढ़ें। तो नेचुरली ये समय के साथ अभी सप्ताह 10 दिन के अंदर ये सब आपको क्लियर होगा, चूँकि अभी फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है, ऑप्शंस को लेकर उहापोह है, तो उसको लेकर ये जो कन्फ्यूज़न है पहले वो सब दूर हो जाए, फिर हम लोग बुक्स और उनके राइटर्स को भी डिस्कस करेंगे। और आपको जहाँ तक संभव हो सकेगा, फिर से ये बोलते हुए कि हमारी व्यस्तता बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है और हम कई बार मजबूर हो जाते हैं, डिले हो जाता है, इसलिए कभी कभी बहुत चिंताएं बढ़ जाती हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, हमारी दूसरी तरफ व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा हैं। एनीवे आप ये अप करें इस बीच, और ये आप याद रखें कि हम लोगों को ये टॉपिक्स भी करने हैं, हम लोग कल करेंगे इन टॉपिक्स को, कल 5 सब्जेक्ट्स, 5 जो पेपर हैं, 5 टॉपिक्स हैं वो हम लोग करेंगे। आज आपसे यहीं पर विदा लेंगे ये कहते हुए कि आपने एक अच्छे ऑप्शनल को चुन लिया है, दूसरे ऑप्शनल वाले भी बिल्कुल चिंतित ना हों। देखिए हिस्ट्री और हिंदी में हमारा थोड़ा बहुत जो ज्ञान है वो हमने आपको दिया, आने वाले दिनों में GS जो सबके लिए कंपलसरी है उस पर एक बड़ा अच्छा रिव्यू आएगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद GS पर, जनरल स्टडीज़ पर जो सबों के लिए
इक्वली सबको ले, पेपर वन पेपर टू दो पेपर उसमें हैं, उसको भी हम लोग रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि उसे कैसे हम लोग निकालेंगे, उसमें किस तरह के सिलेबस और क्वेश्चन आते हैं। आज यहीं पर इस एपिसोड को रोकते हैं, कल संभव हुआ तो कल, और अगर थोड़ी बहुत डिले हो जाए तो इसे आप कंसिडर करेंगे, चूँकि हमारी भी अपनी मजबूरियाँ हैं। आज आपसे यहीं विदा लेंगे, आप डॉक्टर नगेंद्र की ज़रूर सबसे पहले मंगा लें और धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। यहीं पर आपसे विदा लेंगे, अपना ध्यान रखें, मुझे इजाज़त दें, टेक केयर।